दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं जल्दी शादी कराने का एक रामबाण उपाय। जिन बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है, बातें चलती हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई भी बात कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर के सामने आती होगी जिससे रिश्ता टूट जाता है। कभी आपकी तरफ से ना हो जाता होगा, कभी सामने से ना हो जाता होगा, या फिर आपको अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से आपको मिल नहीं पा रहा होगा। आपकी उम्र लगातार बीतती जा रही है, आप 25 साल के हो सकते हैं, आप 28 साल के हो सकते हैं, आप 30 और 32 साल के हो सकते हैं, आप 35 साल के भी हो सकते हैं, और अभी तक कहीं पर आपका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हो गए हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा प्रभावशाली उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं इनसे आपको छुटकारा मिलेगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय कोई भी कर सकता है। जिन लड़के और लड़कियों की शादी में विलंब चल रहा है वो खुद भी कर सकते हैं और माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास समय नहीं होता है, वो अपनी एजुकेशन में अपनी जॉब में व्यस्त रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो उपाय करना ही नहीं चाहते हैं, वो इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता ये उपाय कर सकते हैं और अपने बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है उसको दूर कर सकते हैं। प्रदर्शकों कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रदर्शकों अब उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आपने श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृ पक्ष में करना है। ये श्राद्ध पक्ष शुरू कब से होंगे, साल 2022 में 10 सितंबर शनिवार के दिन से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और रहेगा कब तक, 25 सितंबर रविवार के दिन तक रहेगा। ये 16 दिन बनते हैं प्रिय दर्शकों, इन 16 दिनों में ही आपने ये उपाय करना है और हर रोज करना है। ये 16 दिन जो श्राद्ध पक्ष के हैं बड़े ही पवित्र दिन माने जाते हैं और हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। शास्त्रों की मान्यता है इन 16 दिनों में हमारे पितृ देवता पितृलोक को छोड़ करके पृथ्वी लोक पर आते हैं और हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। इन 16 दिनों में हम अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। तो प्रिय दर्शकों यदि आपकी शादी में विलंब चल रहा है और जल्दी शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि पितृ देवता यदि प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं कर सकते, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो आपने ये उपाय हर दिन करना है, 16 दिन लगातार करना है। करना क्या होगा, आपने एक स्टील का लोटा लेना होगा, स्टील के लोटे में सबसे पहले गंगा जल आपने डालना है, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भरना है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। अब ये कच्चा दूध यदि गाय का मिल जाए तो अति श्रेष्ठ है, और यदि गाय का ना मिले तो फिर आप थैली वाला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि गांव देहात में तो मिल जाता है लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं वहां पर गाय का दूध मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग थैली का दूध भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध होना चाहिए, उसको गर्म नहीं करना है। साथ में एक चुटकी आपने हल्दी डालनी है और साथ में एक टुकड़ा गुड़ का आपने उसमें डालना है और साथ में थोड़े से काले तिल उसमें डालने हैं। ये सारी चीज़ें मिला करके एक लोटे में इसको तैयार कर लेना है। एक और क्या लेना है आपको, एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है। प्रिय दर्शकों मिट्टी का दीपक होना चाहिए और उसके अंदर जो बत्ती है वो लंबे वाली होनी चाहिए, खड़ी बत्ती नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें लेकर के आपने जाना है पीपल के नीचे, और जाना किस समय है, ये आपने सुबह के समय ही जाना है,
सुबह का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आपने ये उपाय दोपहर से पहले पहले कर देना है। आप ये उपाय 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक भी कर सकते हैं। दोपहर से पहले पहले ये उपाय आप कभी भी कर दीजिए, दोपहर के बाद ये उपाय नहीं करना है। तो दोपहर से पहले पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जल का लोटा तैयार करके आपने लेके जाना है, एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेकर के जाना है और पीपल के नीचे आपने चले जाना है। सबसे पहले जाते ही ये जो लोटा आप लेकर के गए हैं, दोनों हाथों से पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए। जब आप जल छोड़ रहे हैं तो आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ध्यान रहे, आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ अर्थात साउथ जोन की तरफ आपका फेस होना चाहिए। और जब आप जल छोड़ रहे हैं, बोलना क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से आपने मंत्र का उच्चारण करना है। ये जल छोड़ने के बाद ये जो दीपक आप लेकर के गए हैं, ये दीपक भी आपने जला देना है। दीपक जलाने के बाद वहीं पर भगवान से, अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करनी है कि हे पितृ देवताओं, हे वासुदेव भगवान, मेरी या मेरे बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है उससे जल्द से जल्द हमें छुटकारा दिलाएं और जल्द से जल्द कोई ऐसा चमत्कार करें कि विवाह के योग बन जाए और विवाह हो जाए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने पीपल की 7 परिक्रमा करनी है। बस 7 परिक्रमा करके सीधा घर को चले आना है। फिर दर्शकों, कई जगह पर क्या होता है, पीपल ऐसी जगह पर होता है कि परिक्रमा करना संभव नहीं होता है, क्योंकि पीपल किसी दीवार में सटा होता है तो फिर परिक्रमा हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने अपनी ही जगह पर खड़े होना है और 7 बार घूम जाना है क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, इस प्रकार से आपने घूम जाना है 7 बार। यदि अपनी जगह पर ही खड़े होकर के 7 बार आप गोल गोल घूम जाते हैं तो ये परिक्रमा ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। ये प्रदर्शकों आपने हर रोज करना है, दोपहर से पहले करना है, 16 के 16 दिन लगातार कर। ध्यान रहे, ये उपाय आपने रविवार के दिन नहीं करना है, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के अंदर जल डालना निषेध बताया गया है। तो रविवार के दिन आप क्या करेंगे, रविवार के दिन यही उपाय आप बरगद के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, वट वृक्ष के नीचे आप ये उपाय कर सकते हैं। विधि विधान यही रहेगा, सारा नियम यही रहेगा, केवल रविवार के दिन बरगद के पेड़ के नीचे आप ये उपाय कर सकते हैं और बाकी के दिनों में पीपल के पेड़ के नीचे ये उपाय आपने करना है। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप जरूर करें। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा क्या योग बन गया है जिसकी वजह से शादी में लगातार विलंब चल रहा है। कई बार क्या होता है, आप बहुत सारे उपाय भी कर लेते हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल पाता है। आपके बच्चे दिखने में सुंदर भी होते हैं, जॉब भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है लेकिन शादी नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो फिर इस समस्या से जल्द छुटकारा पाया जा सकता है। विवाह के अलावा कोई और भी समस्या आपके जीवन में चल रही है और उस समस्या का आप ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपकी सहायता करने की। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना एवं कमेंट करना। साथ में यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।